तेरा गम और हम। वो शाजिया है ना, अपने बेटे बिलाल का रिश्ता लेकर आ रही है अपनी माही के लिए। तुम प्लीज अम्मी से बात करो ना यार, देखो फिर वही सब कुछ होगा ना, आएंगे देखेंगे फिर रिजेक्ट करेंगे चले जाएंगे। मैंने तो माही का नाम तक नहीं लिया, मैं तो यहाँ सारा के प्रपोजल के लिए आई हूँ। माही बेटा, माही, माही बेटा, माही, माही बेटा, ये क्या किया माही, माही बेटा, माही, माही बेटा, माही, माही, क्या किया? अरे तुम अपना रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ मेरी बेटी को। माही बेटा, शकील इसे फौरन अस्पताल लेकर जाओ। जी मैं गाड़ी निकालता हूँ। और तुम लोग दुआ करो। वो बेटी पेशेंट का मैदा वॉश कर लिया है, अब वो खतरे से बाहर है। ट्रिप खत्म हो जाए तो आप उन्हें ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम बेटी से मिल सकते हैं? श्योर, मगर ख्याल रहे कि पेशेंट के पास ज्यादा रश ना लगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी। शुक्र। इरम को फोन कर दो, वो बहुत परेशान होगी। जी मैं करती हूँ फोन। अम्मो आप पहले मिल लें। नहीं बेटा तुम जाओ। अल्लाह। मैं तुमसे नाराज हूं। प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। प्लीज अबू, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो सोचा है कि हमारा क्या होता? बाहर तुम्हारी मां की हालत खराब हुई हुई है और अम्मो ने आपको कितनी मुश्किल से खुद को संभाला हुआ, सिर्फ मेरी वजह से नहीं रोई, कहीं मेरी हिम्मत भी आंसुओं के साथ ना बह जाए। वो मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था, मैं बहुत थक गई हूं। तुम लोगों की बातों में आकर मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती कैसे कर सकती हो? Thank you.
तुम हमारी जान हो, बगैर जान के वजूद बेमानी हो जाता है, बिल्कुल बेमानी। इसमें मुझसे नाराज मत। शगुफ्ता का फोन है। हाँ हाँ बोलो शगुफ्ता। माही को होश आ गया हिरम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा माही को होश आ गया, मैं अम्मी को बताती हूँ। हाँ शगुफ्ता। हाँ डिस्चार्ज करने का कब कह रहे हैं? डिस्चार्ज के बारे में मुझे तो नहीं पता, तुम्हारे भाई को पता है, वो माही के पास है अंदर, आते हैं तो मैं पूछ के बताती हूँ। वो भाभी क्या बात है हिरम? भाभी आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, इस सब के बारे में ना फराज को कुछ भी पता ना चले। आप तो जानती हैं वो गुस्से के कितने तेज हैं, और इस सब बारे में पता चलेगा तो पता नहीं किस तरह रिएक्ट करेंगे। मैं समझ सकती हूँ हिरम, तुम परेशान मत हो, इस बारे में फराज भाई को कुछ भी नहीं पता चलेगा। थैंक यू भाभी, अल्लाह हाफिज। पागल थी मैं जो उन सब लोगों की वजह से जिनसे मेरा कोई खैर से नहीं था, उन सब की वजह से उनको परेशान कर दिया मैंने। अरे उठ गई भाभी, उठे भाभी। माही तुम्हें कुछ चाहिए? अम्मी जान जिसको बिन मांगे ही आप सबका इतना प्यार मिल जाए, उसे और क्या चाहिए। पगली कहेगी, तुमने तो डरा ही दिया था हम सबको, शुक्र है अब तुम बिल्कुल ठीक हो। भाभी अब मैं चलूं, फराज का तो आपको पता ही है, पता नहीं कैसा मूड होगा उनका। इरम उन्होंने तो ऑफिस जाना होगा ना, शाम तक चली जाना। चले ठीक है, शाम को चली जाऊंगी, लेकिन माही को साथ लेकर जाऊंगी मैं। अरे हाँ हाँ ले जाओ भाई ले जाओ, माहौल बदलने से तबीयत अच्छी हो जाएगी, वैसे भी हम बूढ़ों की शक्लें देख देख के थक गई है ये। लेकिन अम्मू। अरे फुप्पो है इसकी, माँ से ज्यादा ख्याल रखेगी। नहीं मैं ये कह रही थी कि कहीं शकील मना ना कर दे। अरे वो कुछ नहीं कहेगा, मेरा फरमाबरदार बेटा है, जो मैं कहूंगी ना वो कभी नहीं टालता। और माही बेटा क्या खाएगी मेरी बेटी? जो मेरी अम्मू खिला दे मुझे। अच्छा ठीक है। बेटा मेरे मना करने के बावजूद भी तुम जा रही हो,
अम्मी प्लीज मुझे मेरे ससुराल जाने से मत रोका करें, आ जाऊंगी और वैसे भी माही को वहां अकेले नहीं भेज सकते। सारी जिंदगी उसी की चाकरी करती रहना था। आपको पता है मेरा भी वहां जाने का दिल है, और आप अच्छी तरह से जानती हैं मैं हर काम अपनी मर्जी से करती हूँ। मैं वहां जाऊंगी, पप्पा जाने की आंखों के सामने रहूंगी, उन्हें याद रहेगा अली के लिए कोई और लड़की। हाँ बोलो। सारा बीबी आपको इरम मैडम बुला रही हैं। हाँ आ रही हूँ। चले ना अम्मी, क्या हो गया, नाराज क्यों हो रही हैं आप? अम्मी अच्छा ना, चले बिस्मिल्लाह। हद। थैंक यू, बाय बाय। हाँ ठीक है चलेंगे। सोचे थे शॉपिंग करने कब चलेंगे? हाँ हमने उस स्टोर में भी जाना था ना। वो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप जल्दी आ गए जी। अगर तुम्हें याद हो तो आज हम सिकंदर के यहाँ डिनर पे इनवाइटेड थे। मुझे यकीन था कि हमेशा की तरह तुम अपने घर वालों के बखेड़ों में उलझ के भूल गई होगी। ओह आई एम रियली सॉरी, मेरे जहन से ही निकल गया। लेकिन इन दोनों बच्चियों को छोड़कर अब मैं आपके साथ जा नहीं सकूंगी। प्लीज आप मेरी तरफ से ना सिकंदर भाई को एक्सक्यूज कर लीजिए। फराज, फराज, पप्पा जानी आप प्लीज चले जाइए ना पापा के साथ। नहीं बेटा, अम्मू से कहकर आप दोनों को यहां इसलिए तो नहीं लाई ना कि अकेला छोड़कर चली जाओ। तुम दोनों फिक्र नहीं करो, तुम्हारे पापा का गुस्सा बर्दाश्त करने की आदत हो गई है मुझे। पापा जाने, टेंशन में यहाँ रहने से बेहतर है कि आप रिलैक्स होके पापा जान के साथ जाएं। दादू को हम लोग कुछ नहीं बताएंगे। थैंक यू बेटा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। पापा जाने, हमने आपसे कहा है ना बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आराम से जाए ना हमसे वापस। कि मैं चलती। फिल्म लगाते हैं बड़े वाले टीवी पे जाके। अपनी बेटी को माहीन की नौकरानी बनाकर रख दिया तुमने। जिनके बाप कमाते ना हो उनकी बेटियों को ऐसे ही करना पड़ता है। एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आती, कल तक तो आप भतीजी की फिक्र में टहल रहे थे और आज बेटी का उसके साथ जाना बुरा लग रहा है आपको, ऐसा क्या हो गया? ओ कल की बात और थी, आज की बात और है। आज ऐसा क्या हुआ जो बेटी की चाकरी बुरी लग रही है आपको? वो तो बचपन से यही करती आ रही है। फैजा मेरा दिमाग ना पहले से ही घुमा हुआ है, ये ना हो कि सारा गुस्सा मैं तुम पर निकाल दूं। वो सारा को फोन करो और उसे कहो कि सुबह वापस आ जाए। दो चार दिन सारा माहीन के नखरे नहीं उठाएगी ना तो शकील भाई को खुद ही ख्याल आ जाएगा महीने के पैसे बढ़ाने का। ओ, तो आपका गुस्सा जेब खाली होने पर था। मैं समझी बाप की भूली भटकी खैरत को उबाल आ गया है। उबाल तो मेरे गुस्से में आ रहा है तुम्हारी बातों से। जो कहा है वो करो। मैं क्यों करूं बात? ये चाह रहे हैं कि मैं बात करूं और मैं ही बुरी बनूं। चलाकी तो इनके खून में रची बसी है। कोई नहीं करूंगी फोन में। बाजी चाय। थैंक यू, बस यहाँ रखते हैं। और कुछ लेंगी आप? शुक्रिया। बहुत बोर हो रही हूँ मैं,
बहुत ज्यादा। वापस चले इस टाइम पे क्या हो गया है? दो लड़कियां अकेले इस टाइम पे जाके वॉक करेंगी? खतरा होता है सारा, कोई भी बीच रास्ते में आके रोक देता है। ऐसे भी नहीं, तबीयत नहीं ठीक। हाँ तो अच्छा है ना, खुली फिजा में सांस लोगी, यू विल फील फ्रेश। नहीं ना सारा, ये हमारी तरह का पुर रौनक एरिया नहीं है, सुनसान एरिया है यार, डर लगता है मुझे यहाँ पे। जब मैं साथ हूँ तो इसमें डरने वाली क्या बात? बात तो ठीक कर रही हो तुम इस। फिर लेकिन नहीं, उठो चलो। सारा क्या सस्ती मत दिखाओ, जाओ आज। देखो मुझे सही नहीं लग रहा यार, मुझे नहीं अच्छा लग रहा ये, बहुत सुनसान है। लोग आ जाओ। कितना पीसफुल है ये एरिया। हाँ ये सोचे थे लाइट्स लगी हुई, अच्छा लग रहा है। तुम्हारी बारात आने वाली है ना इसीलिए। क्या बात कर रही है, मुझे पसंद है यार फेरी लाइट्स, कमरे में लगाऊंगी मैं अब। नहीं तुम्हारी बारात और शादी वाले दिन ना सारी फेरी लाइट्स, नो फ्लावर्स फॉर यू। सारा हाँ। घर चलते हैं यार, देर हो गई है। वो देखो सामने से तीन लड़कियां आ रही हैं, डर लग रहा है ना तुम्हें? मैं अम्मा अब्बा से कह के आई थी ना कि जल्दी आ। क्या मतलब है, तुम्हें इजाजत लेके आई हो? हाँ ना, क्या जरूरत थी तुम्हें कहने की? और इजाजत कौन मांग रहा था उनसे? दादो का पता है ना तुम्हें, डर लगता है वैसे मुझे उनके गुस्से से। दादो के गुस्से में भी प्यार है, बहुत प्यार है। सारा ये गाड़ी मुड़ रही है यार, तो तुम्हें क्या, आ जाओ। सारे हमारे पीछे आ रही है यार। Oh my God, ये वाकई में आ रही है। सारा क्या करे? We have to run on my count. सारा ये तो 1, 2, 3 भागो। सारा भागो, भागो माही, माही भागो। ये तो यहाँ से आ रहे हैं, उधर भागो। माही सारा मैं नहीं भाग सकती। माही क्या कर रही हो? मैं नहीं भाग सकती, सारा मुझे उठा नहीं जा रहा। सारा ये लो। तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी, तुम कहां से आ धमके? और तुमने बताया क्यों नहीं? बताया इसलिए नहीं क्योंकि सरप्राइज देना चाहता था, मगर मेरे बजाय तुमने ही माई को सरप्राइज कर दिया। सारा तुम मुझे छोड़ के भाग गई थी। मैं छोड़ के नहीं भागी थी तुम्हें, मैं मदद लेने गई थी तुम्हारे लिए। अब तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो मेरे बारे में कि मैं तुम्हें छोड़ के भागूंगी? अब ये तुम्हें क्या समझती है या तुम इसे क्या समझाना चाहती हो, घर जाकर डिस्कस कर ले, क्योंकि ड्राइवर जो है ये हमारी बहस खत्म होने तक का इंतजार नहीं करेगा। चले लेट्स मूव। सारा मदद करो मेरी चलने में। हाँ हाँ Thank you.
गुस्सा तो मुझे उस पर बहुत आया था। अरे आराम से देख के चलो। हाँ लेकिन मैंने इसे कुछ कहा नहीं। मैडम जज्बाती भी तो बहुत है, आराम से फौरन से मरने मराने पे तैयार हो जाती हैं और जान दे दूंगी मर जाऊंगी, जज्बातीपन खत्म ही नहीं होता है। अच्छा तुम जरा बिठाओ तो सही ना। हाँ आराम से बैठो। दिखाओ मुझे। इसे डॉक्टर के पास ले चलें? तो ये छोटी सी मूंछ ही लग रही है बस। तुम तो डॉक्टर हो ना? यही समझ लो। यार भाई तुम प्लीज आप देखे बुलाओ। मैं तो तुम्हें तुम ही बुलाऊंगा। अच्छा सारा वो मॉम के रूम से फर्स्ट एड बॉक्स तो लेकर आओ। हाँ हाँ ओके। वैसे तुम इतनी बेवकूफ लगती तो नहीं हो कि किसी के भी पीछे अपनी जान देने पे आ जाओ। तुमसे मतलब? मैंने कहा ना आप कह के बुलाओ, बड़े हो गए हैं। यार क्या आप लगा रखे हो तुम्हें? बचपन में तुम ही कहते थे और अब आप शुरू हो गया। मैं तो तुम्हें तुम ही बुलाऊंगा। ये लो। हाँ दो मिनट लगा दो। मैं लगा दूं? नहीं मैं लगा दूंगा, थैंक यू। अच्छा ठीक है भाई लगाएं आप, देखते हैं। हाँ देखो आराम से बैठ के। तो बाहर से ट्रेनिंग करके आया हूँ, सब पता है मुझे। सीखो तुम यहाँ बैठ के। प्लीज देख। हाँ थोड़ा तो बर्दाश्त करो, थोड़ा तो दर्द होगा। वहाँ बैठ के सीखो। मुझे भी आता है करना। अच्छा ऐसी कोई नई बात नहीं है ये। थैंक यू। ऑफिस कब से ज्वाइन कर रहे हो? अरे अभी इसे आए हुए दिन ही कितने हुए और आप इसे ऑफिस में उलझा रहे हैं। थोड़ा एंजॉय करने दे फराज। ओके तुम्हारी माँ अपनी तरह तुम्हें भी नाकारा बनाना चाहती है बरखुरदार। ठीक है करो एंजॉय। जब एंजॉयमेंट से बोर हो जाओ तो ऑफिस चले आना। ठीक है मैडम। वैसे बाय द वे मुझे लगा था कि तुम लोग घर पे नजर आने की बजाय कहीं रईस वेला पहुंचे होंगे। वो एक्चुअली पहुंचना तो था लेकिन हमने सोचा कि पहले आपसे भी मुलाकात कर लें। नानू के घर हम शाम में चले जाएंगे। माना कि तुम बड़े हो गए हो लेकिन हो अभी भी मेरे बेटे। रिश्ते का लिहाज और भरम रखो, ये तुम्हारे और तुम्हारी मां के लिए बेहतर होगा। अकेले रह के शायद ये तमीज भूल बैठा है। इसे याद कराओ कि बाप से किस लहजे में बात की जाती है। Excuse me. चुप रहने में क्या हर्ज था? नहीं मॉम, मुझे डैड का इस तरह से बार बार टॉन करना पसंद नहीं। जो बात गलत है वो गलत है। खैर आप परेशान मत हो, चाय पीजिए। तुम क्यों पत्थर की हो गई हो? अली फूफी जान ठीक कह रही हैं। तुम्हें पप्पा जान से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे कब किससे क्या बोलना है आई नो वेरी वेल, तो तुम या मॉम मुझे समझाने में अपना वक्त बर्बाद मत करो।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो बेहतर यह है कि आप दोनों मुझे समझाने के बजाय कोई गॉसिप भी कर लें टॉम क्रूज के बारे में। फिल्म देखने चलें? हाँ, कौन सी? बार तो पक्का पक्का वापस आया है ना अपना अली। नानो आप फिक्र ही ना करें, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपके पास ही रहूंगा। अरे जम जम रहो बेटा, तुम अभी तक यहीं बैठी हो, जाओ जाके माँ का हाथ बटाओ। अरे नहीं नहीं नानो, इसे यहीं रहने दें, वरना मैं वहां पहुंच जाऊंगा। इसके हाथ क्या बनोगे अगर मैंने कुछ खा लिया तो? अल्लाह ना करे, क्या ऑलफॉल बोल रहे तुम? जाओ। लगता है आज किचन में कुछ बहुत अच्छी चीजें बनी हुई। बहुत मजेदार। और नानू आप बताएं, ठीक है? तबीयत ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। पप्पा ना तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहते हैं, जरा भी तमीज नामी, जरा भी कोई मैनर्स नहीं है ना तुम में। पता नहीं किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करते हैं। अरे किसी अजनबी कमरे में आता तो जरूर नॉक करता, लेकिन हम तो कजन्स हैं ना, और दोस्त भी बचपन के, तो बेतकल्लुफी का रिश्ता तो बनता है। ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा कोई रिश्ता नहीं है ऐसा। अली उठो यहाँ से, सारा का दिमाग खाओ जाके उसके कमरे में। यार सारा का कमरा मुझे पता है कहाँ है, अगर वहां जाना होता वहां चला जाता, यहाँ नहीं आता। क्या करने आए हो यहाँ? मुझे तुमसे बात करनी है भाई। अच्छा एक बात तो बताओ, कोई प्यार व्यार का सीन तो नहीं था उस लड़के से? किसकी बात कर रहे हो? अरे वो ही जिसके लिए इतने आंसू बहाए गए। मैं किसी के लिए नहीं रोती। देखो अली, रोना मुझे सिर्फ बार बार रिजेक्ट होने पे आता है। अम्मी अब्बू की परेशानी मुझे तकलीफ देती है, किसी के सामने शोपीस बन के पेश होने से मुझे चिढ़ होती है, दुख होता है। और लोगों की ये जो चुपती हुई नजरें होती है ना, ये बहुत अनकंफर्टेबल करती है मुझे। गॉड, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है भाई, बस इतना समझ लो कि एक्सपेंसिव चीजें हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। Trust me, माई, तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हारी सादगी, तुम्हारी मासूमियत बहुत अट्रैक्टिव है। अच्छा, अगर मैं अट्रैक्टिव होती ना तो अब तक मेरी शादी हो चुकी होती। पर तुम्हें पता तुम्हारा मसला क्या है? तुम खुद को दुनिया की नजर से देखती हो। तुम क्या हो माही, ये दुनिया नहीं बताएगी तुमको, बल्कि तुम्हें बताना है दुनिया को कि तुम क्या हो। अगर ऐसे ही दुनिया की नजरों से खुद को देखती रही ना तो हमेशा बहुत कॉम्प्लेक्स रहोगी। खुद को वैल्यू दो यार। वैल्यू? अली खुद को वैल्यू देने के लिए ना कुछ होना भी जरूरी है। देखो शीशे में तो खुद को मैं देख भी नहीं पा रही हूँ ना, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, लोगों के सामने मेरा मुंह बंद हो जाता है, और जो रही सही कसर है ना वो ये झाड़ झंकार बालों ने पूरी कर दी है। मैं खोल ही नहीं पाती इनको, उन्हें तो बम फटा। तुम्हें कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन चलो एक ट्राई कर लेता हूं। माही, कॉन्फिडेंस खुद से नहीं आता है,
कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फेथ। फेथ होना बहुत जरूरी है। यू हैव टू हैव फेथ इन योर ओन सेल्फ माही। चलो बड़ी बड़ी बातें तो हो गई, कॉन्फिडेंस भी, वैल्यू भी, फेथ भी, इन बालों का क्या करूंगी मैं यार। लड़कियां खुद पैसे देकर ये कर्ली बाल करवाती हैं, तुम्हारे नेचुरली है ना, इसलिए तुम्हें कदर नहीं है। कहा ना मैंने, खुद की कदर करो, जब ही दूसरे कदर करेंगे। सिया, नहीं, you know what? क्यूट अनाली। नहीं तो, excuse me, मैं अपने अली के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुनूंगी। अच्छा, तुम्हारा अली कब से हो गया वो? मेरा ही है। हाँ, बस ऑफिशियली अनाउंस होना बाकी रहता है और हो जाएगा वो भी इंशाल्लाह। वैसे जब तुम उसको प्यारी हो जाओगी। क्या कहा तुमने? मतलब जब तुम्हारी उससे शादी हो जाएगी, चाहे दो मुझे तो भूल जाओगी ना तुम। अरे नहीं भूलूंगी तुम्हें, देखना रोज अली के साथ तुमसे मिलने आया करूंगी और हम ना बचपन के दिनों की तरह तीनों एक साथ घुमा फिरा करेंगे, बहुत मजा आएगा और इतना इंजॉय। अली की कॉल है। हेलो। हेलो, चाय तो लेके जाओ। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? चाय पी रहे थे हम लोग। कॉन्फिडेंस खुद से नहीं आता है, कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फेथ। फेथ होना बहुत जरूरी है। यू हैव टू हैव फेथ इन योर ओन सेल्फ माइंड। खुद की कदर करो, जब ही दूसरे कदर करेंगे। कैसे? हेलो। मेरे बारे में सोच रही थी ना? जी नहीं, इतना फजूल टाइम नहीं है मेरे पास कि हर वक्त तुम्हारे बारे में बैठ के सोचूं। इतना कॉन्फिडेंस तो है मुझे कि तुम मेरे बारे में नहीं सोच रही होगी शायद, लेकिन मेरी बातों के बारे में जरूर सोच रही हो। सारा बता रही थी कि तुम्हें एंगेजमेंट पर जाना है। तो सारा कुछ नहीं छुपाती ना तुमसे। वो मेरी अच्छी वाली दोस्त है ना, इसलिए मुझसे वो कुछ नहीं छुपाती। चलो फिर तुम्हें शॉपिंग करवाते हैं एंगेजमेंट के लिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत से नए ड्रेसेस हैं, उसमें से कुछ भी पहन लूंगी। नहीं, मैं बस कह रहा हूँ ना कि हम करवाएंगे तुम्हें शॉपिंग और तुम चुप करके बैठो। नहीं अली, मैं माही, मैं डिसाइड कर चुका हूँ, तुम, मैं और सारा कल जा रहे हैं शॉपिंग पर। अली मेरी बात तो सुनो। कल सुनूंगा, बाय। अले पागल, अभी तक इसकी आदत नहीं गई, उन्हें सामने किसी की नहीं सुनता। कैसा लग रहा है? Not bad. Hello, excuse me, भाई, एक ऐसा पीस और निकाल दें। Really? इतना भी अच्छा नहीं है कि दो-दो खरीद लूं। Oh, hello, excuse me. अपने लिए नहीं, माहीन के लिए दूसरा ड्रेस निकलवा रही हूँ। हम दोनों एक ही जैसी ड्रेसिंग करते हैं, खानदान के किसी इवेंट पे हम लोग ये पहन लेंगे। Cute.
ड्रेस है या यूनिफॉर्म जो एक जैसे पहन लोगी? और वैसे भी हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, शायद माही को ये पसंद ना आया। माही, नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, हमारी पसंद वैसे वाकई एक जैसी है। होगी एक जैसी, लेकिन कल तुम मेरी मर्जी का ड्रेस पहनोगी। ओके फाइन, पहन लो। मिल गई जान, चलो। जाना तेरा गम